इंदौर में सोमवार को ढोल ग्यारस पर धूमधाम से विभिन्न स्थानों से ढोल निकाले गए। ढोल में अखाड़ों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी, वहीं झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। विभिन्न स्थानों से निकले ढोल राजवाड़ा पहुंचे, यहां का चक्कर लगाकर ढोल वापस अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। ढोल ग्यारस पर 125 साल पुराना ढोल भी आकर्षण का केंद्र रहा। दरअसल श्री कृष्ण ढोल उत्सव समिति श्री राम मंदिर चौराहा बड़ी ग्वाल टोली नंदू बोरासी द्वारा पिछले 26 वर्षों से ढोल की कमान अपने हाथ में लिए हैं। ये ढोल बड़ी ग्वाल टोली तिलक नगर संवित नगर से होते हुए वापस अपने गंतव्य पहुँचता है। ढोल का जो मुझे वहाँ के क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे बुजुर्ग लोग परंपरा है, 125 साल पुराना ये ढोल है। जब हमारे बुजुर्ग लोग केले के पत्ते में ढोल उठाते थे, उसी की परंपरा को हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ाते हुए मुझे सहयोग प्रदान, मुझे उसका सेवा करने का मौका मिला है। मैंने इस क्षेत्र की जनता 5 रुपये, 10 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये जो देते हैं, उसी से ये 21 साल से ढोल उठाते जा रहा है। और पहली झांकी में राधा कृष्ण और द्वारपाल मौजूद हैं, जो कि एक आकाशार का केंद्र है। दूसरी झांकी में यशोदा माता और श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाया गया है, जो कि नटखट माखन चोरी करते हुए जा रहे हैं और मैया पीछे छड़ लेके दर्शाई गई है। तीसरी झांकी में श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण और लक्ष्मण जी और सीता मैया को दर्शाया गया है।